हम तो अखबार चला रहे हैं, उसमें आपको दिक्कत है और आप गैर कानूनी रूप से बार चला रहे हैं और हम सवाल नहीं पूछे, ये संभव नहीं। कांग्रेस ने इस बार मोर्चा खोल दिया है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ। स्मृति ईरानी की बेटी के जरिए पूरी कांग्रेस पार्टी ईरानी को कटघरे में खड़ा किए हुए तरह तरह के सबूत ढूंढ कर ला रही है। पूरी शिद्दत से ये साबित करने पर तुली हुई है कि स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में अवैध बार चलाती है। पहले कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बेटी समेत मां स्मृति ईरानी को घेरा, जिसमें खेड़ा का साथ जयराम रमेश ने दिया था। हालांकि ईरानी ने भी लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस को ललकारा था। अब पार्टी ने गोवा के कोरजोई गांव में स्मृति ईरानी के नाम का आलिशान घर ढूंढ निकाला है। कांग्रेस ने इस मकान के जरिए स्मृति ईरानी के नाम पर बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। कांग्रेस के मीडिया प्लेटफॉर्म INC TV ने एक ट्वीट किया है, जिसमें दावा किया गया है कि सिली सोल्स बार से ये घर मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ट्वीट में दो तस्वीरें साझा की गई हैं, जिसमें से एक में जुबिन ईरानी का नाम पढ़ा जा सकता है, दूसरी तस्वीर में 65 लाख रुपए की जानकारी और घर का लिखा हुआ पता पढ़ा जा सकता है। फिर रविवार सुबह एक अन्य ट्वीट में INC TV ने एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दावा किया है कि स्मृति ईरानी की बेटी ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट कर दिया है। कहा गया है कि इस अकाउंट पर गोवा बार के बारे में कई तस्वीरें थी। दरअसल कांग्रेस का दावा है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में एक अवैध बार चलाती है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने गोवा में ईरानी की बेटी की तरफ से चलाए जा रहे रेस्टोरेंट में शराब परोसने के फर्जी लाइसेंस को जारी करवाने के नाम पर स्मृति ईरानी को घेरा है। पुख्ता तौर पर कांग्रेस का कहना है कि केंद्रीय मंत्री की बेटी ने अपने सिली सोल्स कैफे एंड बार के लिए फर्जी दस्तावेज देकर बार लाइसेंस जारी करवाए। हालांकि स्मृति ईरानी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की इस हरकत पर करारा जवाब दिया था। ईरानी ने पवन खेड़ा पर कांग्रेस आलाकमान के कहने पर यह छींटाकशी कसने का आरोप लगाया और साथ ही अपनी 18 साल की बेटी को राजनीति में घसीटने के लिए उन्हें कोर्ट तक घसीट लिया है। स्मृति ईरानी की तरफ से उनके वकील ने कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को नोटिस भेज दिया है। ईरानी के तरफ से भेजे गए कानूनी नोटिस में लिखा है, कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो स्मृति ईरानी और उनके परिवार के लोगों को लक्ष्य नहीं बनाना चाहती, लेकिन हमारी क्लाइंट जो कि स्मृति ईरानी है, उन्हें और उनके परिवार को करप्शन के आरोपों का जवाब देना चाहिए। उनकी 18 साल की बेटी जोई शिरानी गोवा में सिली सोल्स कैफे एंड बार नाम से रेस्टोरेंट चलाती है। शनिवार को बेहद गुस्से में तमतमाई थी स्मृति ईरानी। इसी के साथ ही साल 2024 में उन्होंने फिर एक बार राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी थी। ईरानी ने साफ कहा था कि उनकी बेटी 18 साल की है, कॉलेज के प्रथम वर्ष में पढ़ती है और वो कोई बार नहीं चलाती है। लेकिन अब उन आरोपों का क्या जो कांग्रेस ने फिर स्मृति ईरानी पर लगा दिए हैं? ईरानी की बेटी के कथित रेस्टोरेंट से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्मृति ईरानी के ही नाम का एक घर का कांग्रेस ने दावा कर दिया है। अब स्मृति ईरानी कांग्रेस के इस नए आरोप से कैसे निपटती है, वो देखना वाकई काफी दिलचस्प होगा। वैसे आपको क्या लगता है, कांग्रेस के आरोपों में क्या आपको जरा सी भी सच्चाई नजर आ रही है? और अगर कांग्रेस के आरोप में सच्चाई है भी, तो आप इस सब में ईरानी और उनकी बेटी को किस तरह से गलत या सही मानते हैं? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। Her character today was publicly mutilated by the Congress spokespeople and they claimed that the mutilation stemmed from a show cause notice. I want to ask that Congress person, where is my daughter's name in the papers that he flashed? Jairam Ramesh said that he's taking a position on the basis of an RTI application. My question is, where does the RTI application name my daughter? The allegation that my daughter runs an illegal bar is malicious with the intent not only to assassinate her character but also to politically malign me. It is done at the directions, as was obviously stated by Pawan Kheda, of the Congress leadership, namely the Gandhi family, because I had the audacity to hold a press conference and question Sonia Gandhi and Rahul Gandhi for the 5,000 crore loot of the Indian Treasury. So to the gentleman who sat there, giggled as they assassinated my daughter's character, I will see you in the court of law and in the court of people.
and to the Gandhi family, which directed that this press conference be held against my child. I tell you this. Send Rahul Gandhi back to fight the Lok Sabha election in 2024 from Amethi, and he will lose again.